हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यहाँ बस देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ आज वापस आप लोगों से बात करने के लिए नहीं, मतलब किचन में आकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए प्याज के पराठे, क्योंकि ना मेरा सब्जी से रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है और मैंने प्याज के पराठे मुझे पसंद है और बहुत दिन से नहीं खाए, तो मैंने सोचा कि आज प्याज के पराठे बना ली जाए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है, और देखिए प्याज खाने में जितनी अच्छी लगती है ना, काटने में उतनी ही बेकार लगती है मुझे क्या सभी को लगती है, क्योंकि इससे रोना आ जाता है, मतलब आँखों में आंसू आ जाते हैं, आँखें साफ़ हो जाती हैं। सही बात है ना? और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से गर्मी में, मतलब सभी के साथ मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा कि देखिए मेरे साथ तो होता है, सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और बस यहाँ मैंने कहा प्याज काट लेती हूँ, तब तक आप उनसे बातें कर लेती, क्योंकि क्या कुकिंग करते समय आप लोगों से बातें किचन में नहीं कर सकती, क्योंकि कुकिंग की आवाज़ आती है और फिर बातों की आवाज़ उतनी नहीं आती है, इसलिए बस यहाँ मैं प्याज काट ले रही हूँ। उसी हिसाब से प्याज के पराठे में प्याज भरपूर होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। आज मैं वैसे तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा मतलब छोटे छोटे काटती हूँ, आज मैं थोड़े लंबी उसमें काटती हूँ, मतलब स्लाइस में काट रही हूँ प्याज, इस तरह से भी अच्छे लगते हैं बहुत पराठे वगैरह। और पता है अभी तक कोई भी वीडियो शूट मैंने नहीं की है, कोई भी क्लिप शूट, मतलब ये लगता है जल्दी जल्दी काम कर लो और उसके बाद फिर फ्री हो के ही बात करो, क्योंकि जनरली यार सभी लोग यही करते हैं घर पर। और बस यहाँ मैं प्याज धीरे धीरे काट रही हूँ, अभी बात करते करते काट रही हूँ, प्याज के साथ साथ कहीं हाथ ना कट जाए, हाथ कट गया तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी ना। और चलिए फिर मिलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को प्याज के पराठे मैं किस तरह से बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, हर कोई बना सकता है और बनाते भी होंगे सभी लोग, बनाते भी होंगे, जिनको पसंद है देखिए वो तो बनाते ही होंगे। इसको आप किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, किसी के भी साथ खा सकते हैं, दही के साथ, रायते के साथ, या रूखे भी अचार के साथ, किसी भी तरह से इसको खा सकते हैं। ये मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पहले तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, अब तो फिर भी कम बनाती हूँ मैं, पहले बहुत बनाती थी, पहले तो हर दो तीन दिन में मतलब मुझे प्याज के पराठे खाने होते थे। सच बताऊँ अच्छे भी बहुत लगते हैं, वो ट्राई करना अगर नहीं करते हैं तो। प्याज काटने की यही खराबी है। रोना आ जाता है बस। ये एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को बिना किसी बात के भी रुला सकती है। हाँ क्या गई, काम भी सारा हो चुका है, बस किचन का ही काम रह गया है खाने का। कभी कभी देखिए जल्दी भी हो जाता है, वो कभी कभी लेट भी हो जाता है, उसी के हिसाब से रहता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के बाय बाय। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज के पराठों के लिए मैंने प्याज काट लिया आप लोगों से बातें करते करते, और बस उसमें यहाँ पे मैं देखिए मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, थोड़ा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और सॉल्ट, और ओनली आमचूर पाउडर, बस ये चार मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो और भी गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं, बाकी मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया है। आप इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ती भी काट के ऐड कर सकते हैं, धनिया तो मेरे पे था नहीं और हरी मिर्च मैंने ऐड नहीं की है। बस इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा मतलब इस तरह से करेंगे कि प्याज की जो स्लाइस है ना वो सब अलग अलग हो जाएगी। ये देखिए हो गया है हमारा मसाला मिक्स, अब बस पराठे यहाँ पे बना लेंगे। मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपका तरीका अलग भी हो सकता है, मेरा तरीका भी अलग हो सकता है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। प्याज के पराठे में बनाने के लिए ना बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप प्याज को तभी काटें और तभी उसमें मसाला मिलाएं जब आपको बनाना हो,
पहले से प्याज काट के ना रखें, ना ही पहले से मसाले मिला के रखें, नहीं तो ये जो नमक होता है ना वो इसमें पानी पानी कर देता है, तो फिर बनते नहीं अच्छे से। अभी भी देखिए बनाते बनाते भी ना इसमें मतलब थोड़ा सा पाए, इसलिए बिल्कुल जब बनाना हो तभी उसमें आप ऐड करिएगा मसाले। बस ये देखिए इसी तरह से मैंने भर के अच्छे से भराया, मैंने प्याज काफ़ी सारी भरी है, क्योंकि कोई भी पराठा हो जब तक उसमें स्टफिंग पूरी ना हो ना तब तक वो अच्छा नहीं लगता। तो ये बस मैं हाथ से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करके और अब इसको बस बेल दूँगी, हल्के हाथ से बेलना है ताकि जो प्याज है वो बाहर ना आए। बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार अगर नहीं करते हैं तो, और करते हैं फिर तो आपको पता ही होगा। बस इसी तरह से मैं अपने बाकी के पराठे भी सेक लूँगी। बहुत ही अच्छा पराठा बना था, मैं खा चुकी हूँ तब तक, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर नहीं करते हैं तो। तो बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करेंगे। आज मैं सामने आके आप लोगों से बात करके एंड नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना बस वॉइस ओवर में ही एंड कर लिया जाए, आप लोगों से बाय बाय कह दी जाए। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और ये देख लीजिए यहाँ मेरा पराठा बस बन के रेडी है, और पराठे को अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे तो ये अच्छा पराठा मतलब एकदम क्रिस्पी पराठा बनके तैयार होता है। चलिए फिर बाय बाय।